हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल राइज टुगेदर। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे, इनफैक्ट री रिव्यू करेंगे एक्सेलरेट के फ्लेवर्ड वे प्रोटीन को, जिसे मैं अराउंड 10 महीने पहले भी रिव्यू कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। और इस प्रोडक्ट को री रिव्यू करने का जो मेजर रीजन है वो ये है कि मुझे पता चला था वाया कमेंट्स जो कुछ व्यूअर्स ने पोस्ट किए थे, जिसमें उन्होंने प्रोटीन कंटेंट कम बताया था इस प्रोडक्ट में, इसीलिए मैंने इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करना भी बंद कर दिया था। लेकिन इस प्रोडक्ट का प्राइस काफी रीजनेबल है, तो काफी लोगों ने यह सजेस्ट किया कि आप री रिव्यू या रीटेस्ट करके देख लेना, ताकि जो भी डाउट है क्वालिटी को लेकर वो क्लियर हो जाए। अच्छा, बिफोर वी बिगिन विद द वीडियो, मैं कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ अराउंड ओवरऑल टेस्ट एंड फ्लेवर। तो देखो यार, टेस्ट एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज होती है। मतलब कुछ लोगों को कम मीठा पसंद आता है, वही कुछ लोगों को ज्यादा। कुछ लोग नमकीन या तीखी चीजों के शौकीन होते हैं, वहीं कुछ लोगों को कम मिर्ची खानी पसंद है। तो ये जरूरी नहीं जो चीज मुझे अच्छी लगे वो आपको भी पसंद आए। तो आपको किस फ्लेवर के साथ जाना है वो आप खुद अपने हिसाब से डिसाइड करिए। एंड एज अ जनरल रूल, फ्रूटी फ्लेवर्स वे प्रोटीन के साथ अच्छे नहीं जाते हैं, तो आप उनसे दूर ही रहिए। वही अगर आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हो तो ज्यादातर कंपनीज के चॉकलेट, कुकीज एंड क्रीम, केसर कुल्फी जैसे फ्लेवर ठीक होते हैं, तो आप इनके साथ जा सकते हो। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक दो व्यूअर्स ने ये कंप्लेन करी कि भाई आपके कहने से मैंने ये फ्लेवर ले लिया और ये तो बहुत बेकार है, मेरे पैसे वेस्ट हो गए। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी रिकमेंडेशन के बेसिस पे आप कुछ खरीद के पछताओ, इसीलिए प्लीज चूज योर फ्लेवर वाइजली। विद दैट लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। और सबसे पहले एक क्विक प्राइस कंपैरिजन कर लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट डिसेंटली प्राइस्ड है, मतलब पर ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको पड़ जाएगा 2.72 रुपीस, जो सबसे कम तो नहीं है पर जेनिथ, स्काइट्रॉन और मसल नेटर के प्रोडक्ट्स के आसपास ही है। और मेरे हिसाब से आज की डेट में जो भी प्रोटीन 3 रुपए से सस्ता पड़ रहा है पर ग्राम, तो मैं उसको रीजनेबली प्राइस्ड ही मानूंगा। मूविंग अहेड, लेट्स क्विकली कंपेयर द न्यूट्रिशन प्रोफाइल ऑफ दिस प्रोडक्ट विद कॉम्पिटिशन। तो यहां पर आप देखोगे कि प्रोडक्ट के न्यूट्रिशन प्रोफाइल में ऑन पेपर कुछ खास दम नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें एक तो ओवरऑल कैलोरीज और फैट कंटेंट सभी प्रोडक्ट से ज्यादा है, दूसरा इसमें आपको बस वे कॉन्सेंट्रेट ही मिलेगा, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी नहीं मिलेंगे, एंड लास्टली इसमें थिकनर भी एडेड है। सो टू कंक्लूड, इस प्रोडक्ट के न्यूट्रिशन प्रोफाइल में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कंपटीशन में आपको बेटर मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी। तो जैसा मैंने पहले रिव्यू में बताया था, आज भी मैं वही कहूंगा, यानी प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी काफी बढ़िया है। ये इजीली मिक्स हो जाता है और कोई लम्स आपको इस प्रोडक्ट के शेक में नहीं मिलेंगे। वही अगर ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज की बात करूं तो वो भी बिल्कुल सेम है मेरे फर्स्ट रिव्यू से, यानी टेस्ट और फ्लेवर इस प्रोडक्ट का बहुत ही बढ़िया है, स्वीटनेस भी बैलेंस्ड है, और कंपनी ने एक्चुअल जो कुकी क्रम्स होते हैं उसको यूज किया हुआ है, जिससे प्रोडक्ट को एक ऑथेंटिक कुकी एंड क्रीम वाला फ्लेवर मिलता है। बाकी प्रोडक्ट का पार्टिकल साइज थोड़ा कोर्स ही है और फ्लो की बात करूं तो वो लंबी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लैब टेस्ट रिपोर्ट की। तो मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट में एज इज बेसिस पे रिजल्ट आया है 71.42, और इसको ड्राइड बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 75% अज्यूमिंग 5% मॉइस्चर कंटेंट। वही कंपनी की वेबसाइट पे भी इस बैच की लैब रिपोर्ट है, जिसमें रिजल्ट आया हुआ है 70.5% ड्राइड बेसिस पे। बाकी लेबल क्लेम के अकॉर्डिंग एक 34 ग्राम के स्कूप में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो होता है 70.5। तो कुल मिला के मैं यही बोलूंगा कि प्रोडक्ट मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट में बिल्कुल खरा उतरा है। सो टू कंक्लूड, इस प्रोडक्ट का प्राइस काफी रीजनेबल है, प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी एंड टेस्ट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिबिलिटी बढ़िया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है। और तो और ये प्रोडक्ट रिपीट टेस्टिंग में भी बढ़िया तरीके से पास हो गया है। बाकी इस प्रोडक्ट में गम है लेकिन उसकी क्वांटिटी बिल्कुल एप्ट है, इसलिए प्रोडक्ट को मिक्स करने के बाद शेक थिक नहीं बनता, और मेरे को इस प्रोडक्ट को लेने के बाद ब्लोटिंग या फ्लैटुलेंस की शिकायत भी नहीं हुई।
सो ऑल इन ऑल इस प्रोडक्ट को एक्सेप्शनल नहीं बोलूंगा, दैट बींग सेड ये प्रोडक्ट किसी भी एंगल से बेकार भी नहीं है। तो अगर आप इसको यूज कर रहे हो और आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसको यूज करते रहिए। बाकी अगर आप मार्केट में फ्लेवर्ड वे की तलाश में हो तो आज की डेट में आपको इसी प्राइस में बेटर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, जल्दी ही और रिव्यूज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।